खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री तामध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 1 नवंबर 2023 से ही शुरू होगी और 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म के धान और मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। धान कामन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रुपए के भाव से खरीदी की जाएगी। इसके बाद अगर भूपेश सरकार 2800 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी करती है तो किसानों को अतिरिक्त रकम का भुगतान बोनस के तौर पर मिलेगा। बोनस की राशि सरकार किसानों को राहत देने के लिए त्योहारों से पहले भुगतान करती है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में केंद्र सरकार से राज्य की लेनदारी के अंतर्गत केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत योजना अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा किया जाता है। आज की स्थिति में जमा चावल के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम से 2205.30 करोड़ एवं नागरिक आपूर्ति निगम की केंद्र सरकार से 4,195 करोड़ रुपए सहित कुल राशि 6,400.30 करोड़ रुपए लेनदारी केंद्र सरकार से शेष है। इस बार हमको ज़्यादा इसलिए तैयारी करना पड़ रहा है कि जो पिछले साल हम लोगों ने खरीदी किया था 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी किया था, इस साल हम लोगों को खरीदी करने जा रहे हैं 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो संसाधन भी अधिक लगेंगे, धान खरीदी केंद्र भी अधिक खोलने पड़ेंगे, बारदाने आदि सभी चीज़ की व्यवस्था जो है पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। जिसकी जैसी समझदारी, जिसकी जैसी लोगों के प्रति सोच, सेंट्रल के प्राथमिकता में किसान कभी नहीं रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना।